हरि नारायण, महादेव को शांत कीजिए। महादेव को शांत करने का केवल एक ही उपाय है, उन्हें सती के शव से दूर करना होगा। किंतु ये कौन करेगा? स्वामी, मैं अपने पिता के यहाँ अवश्य जाना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते स्वामी? आप नहीं चलेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। एकमात्र ऐसी विवाहिता स्त्री होंगी मैं जिसके स्वामी उसके साथ नहीं होंगे। नाथ, मेरे पिता मुझसे अथाह स्नेह करते हैं, उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ मैं। आप चिंता क्यों करते हैं नाथ? सती, जब तुमने हट किया तो कदाचित मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। अधिक से अधिक क्या होता, तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान कर देते और हम यहाँ लौट आते, फिर तुम मेरे साथ रहती। दोष मेरा ही है, मुझे ये नहीं होने देना चाहिए था। सती, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, किंतु अब तुम्हें यहाँ हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कैलाश लेके जाऊंगा। सती, चलो मेरे साथ। रे मामा, रे रे बाबा, रे 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 बाबा, रे रे मामा साजा, रे 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 धूम धूम धरा धरा धरो। कैलाश, मेरी पत्नी बनकर आई थी तुम, वही तुम्हारा स्थान है। मुझे ज्ञात है कैलाश से कितना प्रेम है तुम्हें। चलो, मैं तुम्हें कैलाश लेके चलूंगा। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। नहीं कैलाश, नहीं। जिस स्थान पर तुम मुझे अंतिम बार छोड़कर गई थी, मैं वहां तुम्हें कदापि नहीं ले जाऊंगा। यहां से कहीं दूर एक दूसरे स्थान पर जाएंगे हम, बस हम होंगे वहां। कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा, तुम्हें किसी को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा, मुझसे दूर नहीं कर सकेगा कोई तुम्हें। चलो सती, मेरे साथ चलो। समय मैंने वचन दिया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जबकि तुम्हारे जाने का कारण मैं बनाऊ। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैं दंड दो मुझे, दो दंड। किंतु मेरे पास लौटा, लौटाओ मेरे पास, सती लौटाओ मेरे पास। प्रिय, तुमने इतने कष्ट कैसे सहन किए?
महादेव का देवी सती के लिए अपार प्रेम उन्हें विक्षिप्त कर देगा। जिन महादेव को किसी का स्नेह बांध न सका, जो महादेव निर्मोही है, वो ही देवी सती का साथ नहीं छोड़ पा रहे। नाथ, वो कष्ट में है, आपको जाकर उन्हें शांत करना होगा। स्वामी, महादेव ताप की उस पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जिस पीड़ा का अनुभव देवी सती ने प्रजापति दक्ष के यहाँ किया था। अंतर मात्र इतना है कि देवी सती ने स्वयं का अंत किया था और महादेव पल पल उस हृदय विदारक पीड़ा को सहने के लिए विवश हैं। नारायण, कहीं महादेव का तांडव लहंकारी ना हो जाए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, महादेव को शांत कीजिए, रोकिए उन्हें। देवराज इंद्र, महादेव को शांत करने का केवल एक ही उपाय है। महादेव की इस अवस्था में उन्हें सती के शव से दूर करना होगा। किंतु प्रभु, किंतु ये कौन करेगा? महादेव तो माता सती से विलग नहीं होना चाहते, तो ये कैसे संभव है प्रभु? नारायण, इसमें तो एकमात्र आप ही समर्थ हैं। Yeah.
सृष्टि का आधार ही अस्थिर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, जगत की रक्षा और कल्याण हेतु मैं विवश हूं। यही उचित समय है। जो पृथ्वी पर जिन भिन्न स्थानों पर जाकर गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। क्षमा कीजिए महादेव, फॉर्म स्थित एक दीर्घ अंतराल के लिए ध्यान में चला गया। उस समय सती का कंकाल जिस स्थान पर गिरा था वो यही है, और आज इस पावन स्थान पर हमारे विवाह के पश्चात सती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। देवी का पावन शक्ति पीठ है स्थान। इसलिए देवी पार्वती ने अपने तप के लिए इस स्थान का चुनाव किया। और आज हमारे विवाह के बाद पार्वती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहां पर स्थित रहूंगी। दक्षिण में काशी जैसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां सभी देवी देवताओं का निवास हो। आज से स्थान कांचीपुरम
दक्षिण की काशी के रूप में विख्यात होगा और शक्तिपीठों में प्रमुख होगा कांचीपुरम, जिसकी स्थापना ही मेरे और पार्वती के वियोग, पुनर्मिलन और विवाह का मूल कारण था। वो माँ, बहुत समय से उधर में कुछ नहीं गया ना, तो बहुत भूख लग रही है। अब उचित होगा कि आप सभी देवियाँ अपने अपने लोग लौट जाएं। मैं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ देवी पार्वती और महादेव का साथ कैलाश तक देंगे। तत्पश्चात हम भी अपने अपने लोग लौट जाएंगे। प्रभु, अब हमारे भी आश्रम लौटने का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु। माँ, चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। वहां जाकर मुझे तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तो पकाना है। हाँ माँ। देखिए भैया, हम कैलाश पहुंचने ही वाले हैं। कैलाश, मेरा स्थान, हमारा स्थान। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, अब हमें भी अपने अपने लोग लौटना चाहिए। महादेव, 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 लगता दीदी महादेव। तोतला जी, यहाँ जी, वो तलात पर क्या हुआ कैलाश पर? तोतला जी, तलात पर। तोतला जी उठिए। तोतला जी तो मूर्छित हो गए। तोतला जी उठिए। श्री, तोतलागण तो ऐसे आहत है जैसे किसी ने उन पर वार किया हो। तोतला जी को इस अवस्था में किसने पहुंचाया? ऐसा क्या हुआ है कैलाश पर? पिताश्री, ऐसा कौन सा संकट आया है कैलाश पर जिसने तोतला जी को इस आहत अवस्था में वहां से भागकर आने के लिए विवश कर दिया? तोतला, तोतला, क्या हुआ है वहां, बताओ मुझे। तोतला, अपना नेत्र खोलो, देखो मुझे। तोतला, देखो मुझे। कैलाश पर उत्पन्न होने वाला संकट साधारण नहीं हो सकता। मेरे इस गण की यह दशा किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। कैलाश की पावन भूमि पर, समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित स्थान पर, महादेव और मेरे निवास पर तोतला जी को आहत करने का दुसाहस कोई कैसे कर सकता है? कैलाश असुरक्षित कैसे हो सकता है? उत्पन्न हुआ।
कैलाश पर जो भी घटित हुआ है और अब जो यहाँ घट रहा है, कौन और क्या हो सकता है इसका कारण? भैया संभालिए, अपना संतुलन संभालिए। सोन जी, अब आप सुरक्षित हैं भैया, किंतु ये क्या हो रहा है? कौन अज्ञात शक्ति है ये जो पिताश्री का मार्ग बाधित करने का दुस्साहस कर रही है? प्रभु, ये कैसा अनिष्ट छाया है कैलाश पर? जो भी है, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। हमारी अनुपस्थिति में कौन सी विपदा आई है कैलाश पर? गणेश और कार्तिकेय पर कोई संकट ना आए। जीवन में बाधा आती है, किंतु उनका सम्मान करने वाला ही विजय प्राप्त कर सकता है।